नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज बिहार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। बिहार के कटिहार में मुखिया पुत्र की हत्या। कटिहार बना क्राइम का हॉट स्पॉट, पिछले 12 घंटे में लगातार 3 बड़ी वारदात। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कटिहार के रौतारा थाना क्षेत्र अंतर्गत रमना चौक में महिला मुखिया के पुत्र पर चाकू से जानलेवा हमला। घटनास्थल पर हुई मौत। अपराधियों ने महिला मुखिया फरजाना खातून के पुत्र सलीम पर चाकू घोप कर किया जानलेवा हमला। हमले में महिला मुखिया के पुत्र की घटनास्थल पर हुई मौत। मृतक हार्डवेयर दुकान का संचालन करता था, अंदर कमरे में सो रहा था। अचानक अपराधी आया और चाकू घोप कर हत्या कर दी। प्रथम दृष्टया हत्या के कारणों के बारे में बताया जा रहा है कि अपराधियों से मृतक का व्यवसायिक लेनदेन में विवाद और चुनावी रंजिश बताया जा रहा है। फिलहाल घटनास्थल पर कोढ़ा एवं रौतारा पुलिस दलबल के साथ पहुंच गई है। घटना के बाद पूरे इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया है और अपनी मां मुखिया फरजाना खातून के साथ मिलकर पंचायत के विकास में सहयोग किया करता था। मृतक के शव को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए कटिहार सदर अस्पताल भेज दिया है। जनप्रतिनिधि के पुत्र या कभी इस तरह की आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती है, जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है। क्या कहेंगे सर, मुखिया पुत्र की हत्या हुई है, आपके ये गृह पंचायत है। मैं इतना कह सकता हूँ, जो अपने हारून रशीद साहब हैं, ये रिटायर्ड फौजी हैं, फौज में काम करने वाले का एक अपना अनुशासन का जीवन होता है और उसकी असर परिवार के लोगों पर भी रहती है। आज इनके पुत्र की जिस बेरहमी से हत्या की गई है, इससे बड़ा दुखदाई विषय परिवार और परिवार के अलावा समाज के लिए इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता है। पुलिस लगी हुई है, मुझे भरोसा है उद्बोधन होगा, जो दोषी है वो पकड़ा जाएगा। मैं पुनः कहना चाहता हूं, दोषी किसी हालत में छूटने नहीं चाहिए और ऐसे जघन्य अपराध के लिए फांसी से नीचे और कोई सजा नहीं है। तो ये तो न्यायालय तय करेगा, सारे कॉम्पिटेंट अफसर यहाँ आए हुए हैं, सारी तैयारी चल रही है, कई वैज्ञानिक तरीके से भी जांच का प्रावधान चल रहा है। तो आज के दिन घर हत्याएं हो रही हैं, ये दुखद विषय है और प्रशासन को और लोगों को बहुत सचेत होकर रहने की चलने की जरूरत है। हर जगह प्रशासन है नहीं, इसके बावजूद भी सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए लोगों को बीच बीच में बैठना चाहिए। जो कड़ी छूट गई है, अब लोग इंडिविजुअल अपना सब काम करते हैं, अपने को दबंग बूझते हैं, ऐसे लोगों पर कानून का शिकंजा कसना चाहिए। और ये मेरी पुरजोर मांग रहेगी यहाँ के शासन से, प्रशासन से और प्रदेश के प्रशासन से। धन्यवाद। सर, बहुत दुख की बात है कि मेरा बेटा दुकान में सो रहा था और कुछ आदमी के द्वारा यहाँ के हत्या कर दिया गया। कहाँ सो रहा था, घर में या दुकान? दुकान में सो रहा था, भदैया में। ये लगभग मेरा दो बेटा सो रहा था, एक छत पर सो रहा था, एक नीचे सो रहा था, और भागते हुए बेटा ने सब कुछ देखा, आदमी को पहचाना, वो लोग दस बार बेहोश हो गया, वो देख करके बेहोश हो गया। और जो वो भागा, भागने के क्रम में ये भी बेहोश होकर पड़ गया। फिर 6:30 आकर के हम लोग को पता चला, आके देखे, देखने के बाद पता चला कि वो उसको चाकू से गोद के माथा में छाती में देख के मार दिया। चुनावी रंजिश वगैरह है क्या, बताएगा जी? अभी हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, अभी हम अभी होश में भी नहीं है। क्या नाम है? मोहम्मद सलीम। उम्र लगभग 23 साल। पढ़ाई करता था और बीच में दुकानदारी भी वगैरह करता था। मांग यही करेंगे सर कि आए दिन इस तरह से हो रहा है, पूरा बिहार का स्थिति इसी तरह से, मुखिया का बेटा, मुखिया सब मर रहा है, प्रशासन के द्वारा कुछ क्या हो रहा है वो तो आप लोग को सब पता है। हम मांग यही करेंगे कि इसको जल्द से जल्द न्याय मिले। हारून रशीद हरजाना, विनोदपुर पंचायत।
देखिए, हत्या जो है यह काफी दुखद ही नहीं, हम सबों को बहुत मर्माहत करने वाली हत्या है। और खास करके कानून व्यवस्था, ये कटिहार जिले कोढ़ा थाना रौतारा थाना की ही बात नहीं है, पूरे बिहार की यही स्थिति है। कानून व्यवस्था बहुत बुरी तरह से लचर है और यहाँ पर जनरल जो जनता है, न वह सुरक्षित है, न प्रतिनिधि सुरक्षित है और न कोई नेता सुरक्षित है। घर के अंदर सो रहा था, उसी दरमियान मार दिया गया, घर में ही लोग सुरक्षित नहीं है। जी हाँ, घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं है, घर के बाहर भी सुरक्षित नहीं है, नेता अपने कार्यक्रम में सुरक्षित नहीं है, मुखिया अपने पंचायत में सुरक्षित नहीं है, मजदूर किसान अपने खेत में सुरक्षित नहीं है। यह तो कानून की व्यवस्था बहुत ही लचर है, बहुत ही चिंताजनक। क्या मांग करते हैं सर पुलिस और सरकार? हम सरकार और प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इस तरह की निर्मम हत्या करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और जल्द से जल्द उद्भेदन हो और हत्यारा को सामने लाया जाए। ये घटना जो है बिनोदपुर पंचायत के भदैया रमना चौक स्थित हारून रशीद मुखिया जी के प्रतिष्ठान में हुआ। मिथिलेश कुमार सिंह, कोलासी मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए लाइव 24 न्यूज बिहार के साथ।